हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल वन टू वन क्लासेस। आज की हमारी ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले आ रही है और ये वीडियो कंसंट्रेटेड है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th के लिए। और इस वीडियो का नाम है तेरा भी होगा डेवलपमेंट। तो भाई टेंशन मत ले, तेरा भी होगा डेवलपमेंट, डेफिनेटली होने वाला है। तो ये वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे कि डेवलपमेंट के जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करके चलें, वो भी चैप्टर वाइज, जो यूनिट वाइज सीबीएसई ने डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पहले चैप्टर में जिस चैप्टर का नाम है हमारे पास इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें क्या क्या बातें हमें बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रख के चलनी है। दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है हमारे पास चैप्टर का। इंट्रोडक्शन में हमारे पास कुछ खास नहीं है। इंट्रोडक्शन में बताया कि 15 अगस्त 1947 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों हमारा निकल के आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल पर। ठीक है, इस पे आ सकता है कि जो डिका मुस्लिन है वो किस जगह से बिलोंग करता है, तो आंसर आएगा दोस्तों बांग्लादेश। क्वेश्चन इस टाइप के ऊपर आने के चांसेस हैं, आ सकता है, आप इसको बहुत अच्छे से करके चल सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन हमारे पास। ये आपको पैराग्राफ में ना देके आपको एक बॉक्स में गिवन है। उसके बाद मैं आपको नॉर्मल बताऊँ एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन बता के चलूँ, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन ब्रिटिशर्स के राज में बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। हमारे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो थी, हम लोग रेनफॉल के ऊपर डिपेंड थे और ऑनर और टिलर के बीच में एक ऐसा डिस्क्रिमिनेट चल रहा था, एक ऐसा सिस्टम चल रहा था जिससे बहुत ज़्यादा परेशान या एक्सप्लोटेशन उठाया जा रहा था बेचारे फार्मर की, तो टिलर की तो बैंड बजी हुई थी, सिंपल सी भाषा में ये गए, तो काफ़ी बुरा हाल था ऑनर टिलर के बीच में। और यहाँ पे इस पेज पे दोस्तों नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम किस किसने कैलकुलेट करी, तो उसमें दादाभाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंड्रे शिराज एंड वी के आर वी राव का नाम गिवन है। और इसमें वी के आर वी राव का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के मामले में जो उन्होंने निकाली थी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट रहा है नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के मामले में, तो आंसर रहेगा दोस्तों वी के आर वी राव। ये आप ध्यान रख के चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल रह गया मेरा हमारा। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में आपको बताया कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हमारी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की बहुत कम थी। लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो था, मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स के साथ हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम चल रहा था, जिसमें जो हमारे लैंड डिमांड सिस्टम भी कहा जाता है इसको, कि जो टिलर है, जो फार्मर है, वो पूरे साल ज़मीन पे काम करेंगे। ठीक है, ज़मींदार से उन्होंने ज़मीन को ठेके पे लिया है। ठीक है, रेंट के रूप में ज़मींदार उन टिलर से जितना लेना चाहे ले सकता है और बेचारा टेलर चुपचाप अपना सारा आउटपुट सौंप देगा, जितना भी आउटपुट है वो सारा सौंप देगा किसको, ज़मींदार को। और अगर वो कुछ बोलेगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको मार डालेगी, उसका कत्ल कर डालेगी। ऐसा ही करके एक्सप्लोटेशन करा जाता टेलर को, और इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्ट के बदले में ज़मींदार ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक स्मॉल प्रपोर्शन एज अ रूप लगान के रूप में सबमिट करा करता था, ऐसा मेंशन करा गया। ठीक है, आप ध्यान रखे चलेंगे, इसको हम लोग लैंड सेटलमेंट या फिर जमींदारी सिस्टम कहते हैं। और इंडियन एग्रीकल्चर का जो ब्रिटिशर्स के राज में एक्सप्लोटेशन हुआ उसका सबसे बड़ा रीजन ये जमींदारी सिस्टम है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन आ सकता है सबसे बड़ा रीजन कौन सा है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सिस्टम इंडिया में प्रमोट नहीं हो पाया, एग्रीकल्चर प्रमोट नहीं हो पाया, एग्रीकल्चर की हालत बहुत खराब थी, तो उसका आंसर रहेगा दोस्तों लैंड सिस्टम या जमींदारी सिस्टम जिसे हम कहते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको जरूर पढ़ के चलेंगे। इसको हम लोग रिवेन्यू सेटलमेंट के नाम से भी जान सकते हैं, ये भी इसी चीज़ के बारे में। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करा था। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आपको जानते हैं कि हमें फोर्स करा गया था इंडिगो और ओपियम उगाने के लिए, क्योंकि इन चीज़ों की ब्रिटेन में बहुत अच्छी डिमांड थी, उसको कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है, थोड़ा बहुत आप इसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करूँ तो हमारा हैंडीक्राफ्ट ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, और इसमें एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंडर, जिसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इंडस्ट्रीज को डी इंडस्ट्रियलाइज करा, उनको खात्मा कर दिया। उनका कैसे खात्मा करा वो आपको बताता हूँ। उस खात्मे करने के पीछे उनके दो ऑब्जेक्टिव थे मेन, जिनमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था हमारे पास टू रिड्यूस इंडिया टू स्टेटस ऑफ मर एक्सपोर्टर ऑफ इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटेन, कि इंडिया को बस एक रॉ मटेरियल सप्लाइंग कंट्री का स्टेटस दे दो, कि इंडिया से सिर्फ रॉ मटेरियल ही जाता और कुछ नहीं जाता। तो उन्होंने क्या करा, इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म करा ताकि इंडिया को रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के रूप में प्रमोट करा जा सके। तो बस वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करके किसी कंट्री का फायदा नहीं होता। तो पहला ऑब्जेक्टिव ब्रिटिशर्स का ये था, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ब्रिटिशर्स का था टू
टर्न इंडिया इंटू अ स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ दोज इंडस्ट्रीज सो दैट दे कैन कंटिन्यू एक्सपेंशन एंड बी एंश्योर टू मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ द होम कंट्री। इसका मतलब है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को ग्रो कराया एक ऐसी मार्केट के रूप में जहां पर ब्रिटेन से आ रहे वो गुड्स जो कि उन इंडस्ट्री से बन रहे थे, जिन इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल इंडिया का ही यूज़ हो रहा है, वो फिनिश प्रोडक्ट भी इंडिया में ही बेचेंगे। तो हमारा रॉ मटेरियल हमें ही फिनिश गुड में कन्वर्ट करके ब्रिटिशर्स हमें बेच रहे थे। ये ऑब्जेक्टिव को कहा जाता है दोस्तों पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक छोटी सी कमी हमारे में भी थी कि हमारा जो ध्यान था वो मशीन मेड गुड्स की तरफ बहुत जल्दी चला जाता था, क्योंकि सस्ते हुआ करते थे, बेटर क्वालिटी हुआ करते थे, तो थोड़ा जल्दी जाता था। इस वजह से हमने हैंडीक्राफ्ट को बहुत जल्दी छोड़ दिया, हैंडीक्राफ्ट को बहुत जल्दी त्याग दिया, ये हमारा नुकसान था। इस चक्कर में ब्रिटिशर्स ने हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के बारे में बता रखा है कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में टिस्को का नाम है। टिस्को आप लोग जानते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 के अंदर एस्टैब्लिश हुई थी और एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंपनी है जो ब्रिटिशर्स के टाइम में एस्टैब्लिश हुई थी, जो कि हैवी इंडस्ट्री में आती है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसके अलावा महाराष्ट्र गुजरात में काफ़ी ज़्यादा जूट कंपनीज थी बहुत ज़्यादा, और ये सारी इंडस्ट्री टेक्सटाइल मिल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा थी, ऐसा मेंशन करा गया। तो आप एक बार रीड करना चाहें इसको रीड कर सकते हैं, बाकी कुछ खास नहीं है इस पेज पे हमारे पास, जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। और हाँ, कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रमोट नहीं करी गई। इस पे क्वेश्चन आ सकता है ब्रिटिशर्स ने कैपिटल गुड इंडस्ट्री प्रमोट करी, नहीं प्रमोट करी, नहीं प्रमोट करी, नहीं प्रमोट करी, कोई प्रमोट नहीं करी ब्रिटिशर्स ने, याद ध्यान रख के चलेंगे। अगला हमारे पास इसमें दोस्तों जीडीपी की डेफिनेशन आ सकती है। जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है? तो जीडीपी आप लोग जानते हैं कि जीडीपी का मतलब होता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन ईयर, इज कॉल्ड जीडीपी। तो उसको हम ग्रॉस वैल्यू एडिड भी कह के चलते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखे चलेंगे। फॉरेन ट्रेड की बात करूँ तो फॉरेन ट्रेड में दोस्तों हमारा फॉरेन ट्रेड बहुत अच्छा हुआ ब्रिटिशर्स के टाइम में, नो डाउट, लेकिन इसमें भी नुकसान हमें हुआ। नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे और फिनिश गुड इम्पोर्ट कर रहे थे, तो इससे सारा का सारा फायदा किसको हो रहा था? ब्रिटिशर्स को। ट्रेड हमारा सरप्लस था, एक लौता वो टाइम था जब हमारा ट्रेड सरप्लस था। सरप्लस का मतलब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा थे, इम्पोर्ट कम थे, लेकिन नुकसान हमें उठाना पड़ रहा था इसका। क्यों? क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना अपनी कंट्रीज की वेल्थ को ड्रेन करने के समान है कि आप अपनी कंट्री को खाली कर रहे हो, क्योंकि किसी कंट्री के पास जो रॉ मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं दोस्तों, वो उस कंट्री के लिए हेरिटेज है, वो उस कंट्री के लिए इतनी इनॉर्मस पावर लेकर आते हैं, जनरेट करते हैं उस पावर को। उस पावर को अगर हम ढंग से यूज़ करें तो हम लोग कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। हम अपनी पावर को दे रहे थे, सारे रिसोर्सेज को ब्रिटिशर्स को दे रहे थे, जिससे नुकसान हमें ही होता, किसी और को नहीं हो रहा था, ऐसा मेंशन करा गया। तो ये आप ध्यान रखे चलेंगे। बाकी हाँ, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, सिलोन जो है वो श्रीलंका का पुराना नाम है और पर्शिया जो है वो ईरान का पुराना नाम है, ऐसा मेंशन करा गया, तो पूछा जा सकता है इसके बारे में, आप ध्यान रखे चलेंगे। और हाँ, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर मोनोपोली बना रखी थी। मोनोपोली का मतलब उनका सारा ट्रेड ब्रिटेन के साथ ही था, पूरा एक तरफा हमारा सारा ट्रेड ब्रिटेन पर कंसंट्रेटेड था और हम ब्रिटेन के अलावा किसी कंट्री के साथ डील नहीं कर पा रहे थे, और अगर हम डील करते तो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर ह्यूज टैक्सेस इम्पोज कर देते थे, जिससे हमें मजबूरी में सिर्फ ब्रिटेन के साथ डील करना पड़ता था, ऐसा मेंशन करा गया। और बाकी एक्सपोर्ट सरप्लस वाला मैंने आपको बात बता दी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है और उसके आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो इसमें एक्स्ट्रा कुछ है तो बता देता हूँ। स्यूज कैनाल के बारे में आप पढ़ सकते हैं, स्यूज कैनाल कब स्टार्ट हुई थी? तो स्यूज कैनाल दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट हुई है 1869 में, स्यूज कैनाल को ओपन करा गया था दोस्तों 1869 में स्यूज कैनाल ओपन हुई थी। इसके रूट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, रूट क्या था, तो किस किस को लिंक कर रहा था, आप एक बार रीड करना चाहें इसके पैराग्राफ को रीड कर सकते हैं, कोई खास नहीं है इसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप ना जाना। उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में हमारी जो कंट्री है उसकी जो पॉपुलेशन है की स्टडी, उसको डेमोग्राफी कहते हैं, तो उसके बारे में डील करा जाता है। तो इसमें बता रखा है कि 1921 एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट साल था, क्योंकि इसके बाद हमारे देश की पॉपुलेशन कभी कम नहीं हुई, इसलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। इसके बाद देश की इकोनॉमी के अंदर या देश की जो पॉपुलेशन स्टेटस है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इससे पहले पॉपुलेशन बढ़ती घटती बढ़ती घटती, इसके बाद कभी घटी ही नहीं, 1921 के बाद पॉपुलेशन हर साल बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ध्यान रखे चलेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे मेंशन करा है कि इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट कितना है, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट दोस्तों मेंशन करा गया है यहाँ पर 218, ठीक है, और यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 इयर्स मेंशन करी गई है और आज के टाइम में 69 इयर्स होती है, ऐसा मेंशन यहाँ पे करा गया है एनसीईआरटी में, लेटेस्ट वाली एनसीईआरटी में, तो आप उसको देख लेंगे एक बारी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी।
और जो लिटरेसी रेट था उस टाइम दोस्तों वो 16% था, जिसमें से 7% फीमेल का था और 9% मेल का था। 7 और 9 मिला के 16% लोग इंडिया में लिटरेट थे, आप ध्यान रखे चलेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारे पास चैप्टर में है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। जब मैं अपने देश की पॉपुलेशन को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर देता हूँ, जो वर्किंग पॉपुलेशन में उनकी बात कर रहा हूँ, उसको ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कहा जाता है। उस टाइम पे हमारे इंडिया की 70 से 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में थी और बाकी के लगभग 10% के आसपास उन्होंने बताया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में थी, और सर्विस सेक्टर में 15 से 20% के आसपास यहाँ पे मेंशन करा गया। जी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगी ये वाली हमारे पास, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आप इसमें याद करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुई थी, 1850 में हुई थी। एनसीईआरटी में मेंशन करा गया 1850, और कुछ नहीं सोचना है। और ये ब्रिटिशर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, ये आप ध्यान रख के चलेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। ब्रिटिशर्स ने रोड्स एंड रेलवेज भी डेवलप करी थी सारी की सारी, आप लोग जानते हैं। रोड्स को डेवलप करने का उनका मेन पर्पस ये था कि ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी को पूरे इंडिया में फैला पाएं अच्छे से, तो ये उनका मेन पर्पस था। और इसके अलावा रेलवे के थ्रू वो अपने सामान को, जो फिनिश गुड्स सामान आ रहा था, मशीन मेड गुड्स आ रहे थे, वो इंडिया के अंदर स्प्रेड करना चाह रहे थे पोर्ट्स से अलग अलग शहरों तक, उसके लिए उन्होंने रेलवे और रोडवेज को डेवलप करा था मेनली। तो फायदा तो उनका था, लेकिन हाँ रेलवे के थ्रू फायदा हमारा भी हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये आप ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। और पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी ब्रिटिशर्स ने हमें दिया, ये आप ध्यान रख के चल सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव इंपैक्ट थे। और पहला रेलवे ब्रिज दोस्तों मुंबई और थाने के बीच में, जो पुराना नाम है मुंबई का वो है बॉम्बे, बॉम्बे और थाने के बीच में था, 1854 में स्टार्ट हुआ था रेलवे ब्रिज, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जो आपको ध्यान रख के चलना है, हाँ टाटा एयरलाइंस डेट इज डिवीजन है टाटा सन्स का, 1932 की ये एयरलाइंस हैं। सबसे पहले एयरलाइंस इंडिया में टाटा सन्स ने स्टार्ट करी थी 1932 में। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद 1950 के अराउंड गवर्नमेंट ने टाटा एयरलाइंस एक्वायर कर ली थी सारी की सारी, और उसको एयर इंडिया बना दिया। और अभी रिसेंटली एयर इंडिया दोबारा से टाटा के पास आ गई है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस भी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। टाटा एयरलाइंस कब स्टार्ट हुई थी, 1932 में हुई थी, आप ध्यान रख के चलना, बस ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए, आप इनको बहुत अच्छे से करके चल सकते हैं, या आपको डेफिनेटली ज़्यादा से आप बेनिफिट दे सकते हैं अगर आप बहुत अच्छे से करके चलेंगे, आपको इन पर्टिकुलर टॉपिक से फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। अब बात करूँ दोस्तों मैं चैप्टर नंबर 2 की, चैप्टर नंबर 2 में दोस्तों हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, उसका नाम है प्लानिंग की डेफिनेशन, ठीक है। जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग है वो क्या होती है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है कि जब मैं कंट्री के रिसोर्सेज को कंट्री के हित में, कंट्री के फेवर में यूटिलाइज करता हूँ और बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करता हूँ ताकि मेरी कंट्री ग्रो कर पाए, उसको दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, याद ध्यान रखे चलेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और दोस्तों हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था, यहाँ पे स्टेटमेंट उनका आ सकता है, कि इंडिया के लिए मिक्स इकोनॉमी सबसे ज़्यादा बेटर रहेगी। ये किसने कहा था, ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, तो ध्यान रख सकते हैं इस बात को, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली भी क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। और जो हमारा सिस्टम रहा है जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का मिक्सचर है, उसको हम मिक्स इकोनॉमी कहते हैं, आप लोग जानते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसमें सारे डिसीजन प्राइवेट सेक्टर लेता है, सोशलिस्ट वो है जिसमें सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। ना तो कैपिटलिस्ट अच्छी है ना सोशलिस्ट अच्छी है, हमने अडॉप्ट करी मिक्स इकोनॉमी जो कि काफ़ी अच्छी है। तो कैपिटलिस्ट का एग्जांपल दोस्तों हमारे पास यूएसए है, सोशलिस्ट का एग्जांपल दोस्तों हमारे पास जो है वो क्यूबा है, और चाइना भी था पहले, और यहाँ पे मेंशन भी करा गया है आपके सामने एनसीईआरटी में मेंशन करा गया क्यूबा और चाइना सोशलिस्ट का एग्जांपल, और मिक्स इकोनॉमी का एग्जांपल हम लोग खुद हो गए, तो ये हमने अडॉप्ट करा ही है। उसके अलावा दोस्तों हमारा ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है मैं आपको बताना चाहूँगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलावा इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 ने और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी यही बताया कि हमारे देश के लिए मिक्स इकोनॉमी सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो आप ध्यान रख के चलेंगे किस किस ने बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का तो ये फेवर का टॉपिक था ही, इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 ने भी यही बताया है कि हमें मिक्स इकोनॉमी अडॉप्ट करनी चाहिए, ऐसा मेंशन करा गया, आप ध्यान रखे चलेंगे। उसके अलावा दोस्तों हमारे सामने गोल्स रखे हैं 5-year plan के कौन कौन से हैं, तो ये गोल्स आप सारे याद करके चलेंगे।
और हाँ, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं 5-year plan के, ये आप ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। 5-year goals में हमारे पास बता देता हूँ 5-year plans के गोल कौन कौन से हैं। तो 5-year plan में दोस्तों सबसे पहला गोल है ग्रोथ, तरक्की कराना है, GDP का तरक्की कराना है, लार्ज से लार्ज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है। और अगर GDP ग्रो करेगा तो एक गुड इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, और हर प्रकार से देश की तरक्की GDP के हाथ में है, तो हमें ग्रोथ करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। फिर दोस्तों हमारे पास अभी बीच में ही PC महालानोबिस के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, जिनको आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग कहा जाता है, तो क्वेश्चन आ सकता है हु इज़ नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग, तो आंसर रहेगा PC महालानोबिस, दैट इज प्रशांत चंद्र महालानोबिस। और हु इज़ नोन एज अ पायनियर ऑफ प्लानिंग, तो आंसर रहेगा सोवियत यूनियन। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका मतलब PC महालानोबिस ने भी जो कंसेप्ट कॉपी करा है तो वो कहाँ से करा है, सोवियत यूनियन से। आप ध्यान रखेंगे सोवियत यूनियन उसका आंसर है। बाकी इनके बारे में पढ़ सकते हैं, PC महालानोबिस के बारे में, इनके ऊपर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया है, और संख्या इनका एक जर्नल है, और ये बहुत ही नोबेल प्राइज़ विनर्स के साथ बैठ के इन्होंने हमारे देश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 को डिज़ाइन करा था, जो कि बहुत बड़ी पॉलिसी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी रही है हमारे देश के लिए, तो ये इनका रोल रहा है, आप ध्यान रख के चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर अगर आप बहुत अच्छे से करके चलें, स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि जब मेरे देश के प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर हमारे देश की GDP में कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन कहा जाएगा। आई रिपीट, इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन, कि किसके सेक्टर कितना कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है GDP में, उसको स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन कहा जाता है। फिर मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और मॉडर्नाइजेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, मॉडर्नाइजेशन में लोगों की सोच को भी आधुनिक बनाना, सोच का परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, महिलाओं को आगे बढ़ाना भी मॉडर्नाइजेशन का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, वुमन एम्पावरमेंट जिसे हम कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इक्विटी को इंश्योर करके चलना, वुमेन और मैन में इक्वल राइट्स बटे, ये भी मॉडर्नाइजेशन का ही एक ऑब्जेक्टिव है। तो ये सिर्फ ना केवल टेक्नोलॉजिकल आउटलुक पर है, बल्कि सोशल आउटलुक पर भी आप ध्यान रखे चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वाला। फिर है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि हम लोग मॉडर्नाइजेशन के होने के साथ साथ अपनी कंट्री को पूरी तरह से डिपेंड हो जाएं, और शुरू के 7 5-year plan हमारे इसी ऑब्जेक्टिव पर चले हैं, शुरू के 7 5-year plan, स्टार्टिंग के 7 5-year plan हमारा ऑब्जेक्टिव लेके चले हैं सेल्फ रिलायंस का, जिसमें हमने फोकस करा कि हम बाहर से कुछ भी सामान ऐसा नहीं मंगाएंगे, हम कोशिश करेंगे सबका सब सामान यही मंगा ले, यही बना ले, सारा का सारा बाहर से ना मंगाएं, जिसमें फूड आइटम्स हमारी आती हैं स्पेशली, ठीक है। उसके बाद इक्विटी है, इक्विटी आप लोग जानते हैं कि सबको बराबरी का स्टेटस देना है, सब बराबर रहें, रिच और पुअर के बीच का गैप कम होता चले जाए, उसके ऊपर फोकस करा गया है। उसके बाद एग्रीकल्चर में कौन से रिफॉर्म्स आए थे दोस्तों, तो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स आए थे हमारे लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स में हमारे पास मेनली फोकस करा गया है USA से, हमने काफ़ी हद तक इसमें कॉपी डाउन करा है लैंड रिफॉर्म्स में, और हमारा फोकस रहा है कि हम लोग मॉडर्न सीड्स यूज़ करेंगे, मॉडर्न आउटपुट के लिए मॉडर्न इनपुट की नीड है, तो मॉडर्न सीड्स, मॉडर्न फर्टिलाइज़र वगैरह सब कुछ यूज़ करेंगे ताकि आउटपुट हमारा बढ़ पाए। और इसी में दोस्तों हमारा लैंड सीलिंग का कंसेप्ट है, लैंड सीलिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि लैंड सीलिंग मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड शो करती है जो इंडिविजुअल ऑन कर सकता है, एक इंसान कितनी लैंड मैक्सिमम ले सकता है अपने नाम पर, उसको लैंड सीलिंग कहा जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखे चलेंगे। और अगर कोई भी लैंड इसके अलावा ऊपर बचती है तो उसका क्या करा जाएगा, उसको लैंडलेस लेबर्स एंड लैंडलेस फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है सरकार के द्वारा, तो आप ये ध्यान रख के चल सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट है बोला बहुत ज़्यादा। और लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में कहाँ कहाँ और किस किस स्टेट में सबसे पहले सक्सेसफुल हुए, तो लैंड रिफॉर्म दोस्तों सक्सेसफुल हुए थे केरला में और वेस्ट बंगाल में स्टार्ट होके, सबसे पहले यहीं पे सक्सेसफुल हुए हैं, याद ध्यान रखे चलेंगे, बाकी किसी में ऐसा कुछ खास नहीं हुए, पहले इन्हीं में हुए हैं, याद ध्यान रखें। और HYV सीड्स का जो यूजेज है दोस्तों वो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन से आया है, ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड मेंशन करा गया है 1965 से 75 के बीच में फर्स्ट फेज है इसका, और 1975 से 1985 के बीच में सेकंड फेज है ग्रीन रेवोल्यूशन का। फर्स्ट फेज सिर्फ और सिर्फ वीट ग्रोइंग एरियाज पर आया था, जिसमें पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु का जिक्र करा गया है आंध्र प्रदेश के साथ, ये स्टेट में फोकस करा गया था फर्स्ट फेज में, बाकी सेकंड फेज में बाकी सारे स्टेट में गया था, आप ध्यान रखे चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज़ होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, ये हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन है। और मार्केटेड सरप्लस का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रह सकता है, व्हाट इज मार्केटेड सरप्लस या मार्केटेबल सरप्लस, जब फार्मर अपने कंजम्पशन के लिए रखने के बाद जो क्रॉप है अपने कंजम्पशन के लिए रख ली, उसने जितनी रखनी थी उतनी रख ली, उसके बाद अच्छा खासा आउटपुट है, उसके बाद उसको बेच देता है, उसको मार्केटेबल सरप्लस कहेंगे, मार्केटेबल सरप्लस, मार्केट के योग्य, उसके पास बहुत बचा है, बहुत सरप्लस है उसके पास, ताकि उसको बेच पाए, उसको मार्केटेबल सरप्लस कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन रह सकता है, इससे रिलेटेड आने के काफ़ी चांसेस हैं, आप ध्यान रखे चलेंगे इसको, ठीक है। और HYV सीड से दोस्तों एक नुकसान जो है पेस्टिसाइड्स वगैरह का भी यहाँ पे डिस्प्ले करा गया, तो
आप ध्यान रख लेंगे कि HYV सीड जब भी यूज करने जाएंगे तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब की कॉस्ट आपको उठानी पड़ेगी, जो कि आपको उठानी पड़ेगी पड़ेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है। ये इसका एक नुकसान भी है, पेस्ट के द्वारा अटैक ज़्यादा करा जाता है HYV सीड्स को। और इसमें डिबेट हो सकती है सब्सिडीज़ के ऊपर कि सबको सब्सिडी देनी है नहीं देनी है, कि जो रिच और पुअर फार्मर है उनको डिस्क्रिमिनेट तरीके से अगर सब्सिडी दी जाए तो ज़्यादा बेटर है, सबको बराबरी दे के फ़ायदा कुछ नहीं है। रिच को भी सब्सिडी मिल रही है, पुअर को भी उतनी मिल रही है, इससे कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। पुअर को ज़्यादा मिलनी चाहिए और रिच को कंपैरेटिवली मिलनी ही नहीं चाहिए, कम से कम मिलनी चाहिए, ऐसा आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बारे में मेंशन करा गया NCERT में, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे। इंडस्ट्री एंड ट्रेड के ऊपर है दोस्तों, फिर इंडस्ट्री एंड ट्रेड के ऊपर हमारे पास कुछ खास नहीं है, बस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा हमारे पास कि शुरू शुरू में जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो मेन रोल गवर्नमेंट को क्यों दिया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस में, तो उसके कुछ रीज़न दोस्तों कि एक तो पैसे की कमी, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसे की कमी थी, दूसरा प्राइवेट सेक्टर करना नहीं चाहता था क्योंकि जब तक प्रॉफिट ना नजर आए प्राइवेट सेक्टर इंड्यूस नहीं होता ये काम करने के लिए, और तीसरा सबसे बड़ी बात थी सरकार इस बात को जानती थी कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ये सब कुछ दे दिया तो वो अपने प्रॉफिट को कमाता जाएगा और इससे सोशल जस्टिस अफेक्ट होगा और देश तरक्की नहीं कर पाएगा, गरीब तो बेचारा पिछड़ा हुआ रह जाएगा, इसीलिए ऐसा करा गया। इसलिए सरकार ने सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपने हाथ में लिया, ये आप ध्यान रख के चल सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा मेंशन करा भी गया है, आप इसको ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। और हमारे देश में कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट टेक्सटाइल मिल कहाँ थी, जमशेदपुर और कोलकाता में थी, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद भी थी, ये आप ध्यान रख के चलेंगे, पुरानी चली हुई थी, ठीक है। और रीजनल इक्वालिटी से कहते हैं, रीजनल इक्वालिटी मैंने आपको बताया कि भाई सरकार चाहती थी सब रीजन इक्वली डेवलप हो, तो सरकार ने क्या करा, IPR की पॉलिसी अडॉप्ट करी, जिसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस रेजोल्यूशन में हमने इंडस्ट्रीज को तीन हिस्सों में सबसे पहले बांटा, इसके ऊपर क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में वो इंडस्ट्रीज रखी गई जो सरकार के द्वारा ओन करी जाएंगी, गवर्नमेंट ओन करेगी। सेक्शन बी में वो इंडस्ट्री रखी जो प्राइवेट सेक्टर को ना देके सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर चलाएंगी, और सेक्शन सी में वो इंडस्ट्री रखेगी जो बची कुची थी, ठीक है, वो सारे के सारे सेक्शन सी में डाल दी, जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही चलाएगा, सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ए में गवर्नमेंट, बी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसमें कह सकते हैं PPP, और बाकी सी वाले सेक्शन में सारी इंडस्ट्री उसको दे रही प्राइवेट सेक्टर को, कि भाई बची कुची है, बकवास इंडस्ट्री, बेकार इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर चला लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और इसमें भी एक रूल दे दिया कि इंडस्ट्रियल कंसेशन देंगे हम आपको, हम आपको छूट देंगे कि आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करो, हम आपको छूट देंगे, आपको 5 साल तक टैक्स नहीं देना, लालच देने कि अपनी इंडस्ट्री सरकार की बहुत अच्छे अच्छे एरिया में चलेंगी और जो प्राइवेट सेक्टर वाला है वो बैकवर्ड एरिया में जाके इंडस्ट्री लगाए। इसके लिए सरकार उनको बेनिफिट दे रही थी कि आप बैकवर्ड एरिया में जाइए, हम आपको टैक्स फ्री करेंगे, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, आपको बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, ये सब के बारे में तैयारियाँ चल रही थी। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है दोस्तों, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं आपको बता दूं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है दोस्तों वो 1 करोड़ रुपए तक रहती है। NCERT में ये इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक मेंशन करी गई है, हो सकता है आपकी साइड बुक्स में इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ भी लिखेगी, लेकिन NCERT कह रही है 1 करोड़, तो 1 करोड़ है, ठीक है। और इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये सिर्फ 5 लाख थी, आज के टाइम में ये 1 करोड़ है, आप ध्यान रख के चलेंगे, भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। और किस कमेटी के अंडर इसको बनाया जाता है, इसको कहा जाता है दोस्तों कार्व कमेटी, KARV, कार्व कमेटी के अंडर इसको बनाया जाता है, जिसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। और जितनी भी SSI होती है दोस्तों वो सारी लेबर इंटेंसिव होती है, इक्विटी को प्रमोट करती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज़ में मशीनों का यूज़ कम होता है और लेबर का यूजेस ज़्यादा होता है, तो आप ध्यान रख के चल सकते हैं। उसके बाद ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी रही है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी दोस्तों ऐसी पॉलिसी है जो कि हमारे ट्रेड पर रेस्ट्रिक्टेड है, ट्रेड से रिलेटेड है। इस पॉलिसी में हम लोग वो सारा सामान जो कि हम पहले बाहर से मंगा रहे थे हम उसको इंडिया में ही बनाने की कोशिश करने लग गए, तो उसको कहा जाता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। अपने आंतरिक मैटर में देखना, दैट इज इनवर्ड मीन्स अपने ही देश के हित के लिए अपने आप सोचना, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी है कि हम अपने देश को कैसे प्रमोट करें। और उसके लिए हमने क्या करा, हमने टैरिफ और कोटास दोनों का सहारा लिया। तो क्वेश्चन आ सकता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए हमने किस किस चीज़ का सहारा लिया, हमने 2 चीज़ों का सहारा लिया, एक टैरिफ जिसको हम कहते हैं टैक्सेस और एक है कोटा जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। टैरिफ हमारे टैक्सेस हो गए और नॉन टैरिफ बैरियर्स हम कह सकते हैं कोटा को, नॉन टैरिफ बैरियर्स कोटास, ठीक है, कि एक लिमिट से ज़्यादा सामान बाहर से नहीं आएगा और जो भी आएगा उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इस वजह से कोई च्वाइस नहीं रही, लोगों ने बाहर से सामान मंगाने बंद कर दिए और उन्हें इंडियन इंडस्ट्रीज़ के सामान ही लेने पड़े, जिससे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया और हम लोग इंडियन इंडस्ट्रीज़ के सामान को ही लेना शुरू कर चुके थे।
जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, आप ध्यान रख के चलेंगे। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है दोस्तों 1950 से 1990 के बीच में, ये सब जो हमने करा है अब तक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी लगाने के बाद तरक्की हुई है, नो डाउट इंडस्ट्रीज़ की तरक्की बहुत हुई है, कॉटन टेक्सटाइल जूट मिल सब की तरक्की हुई है, हमने इंडस्ट्रियल पोर्टफोलियो अपना डाइवर्सिफाई करा है, हमने सीमेंट की इंडस्ट्री खोली, हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोली, उसको डेवलप करा सारा का सारा, और इसके अलावा हमने जो है टेली कम्युनिकेशन सर्विस के अंदर इंडस्ट्री खोली है, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री खोली है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खोली है, ऐसा सब कुछ मेंशन कर रहे हैं। सारी इंडस्ट्री हमने खोली है 1950 और 1990 के बीच में, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और ये सब हम काम कर रहे थे। और उसके अलावा दोस्तों परमिट लाइसेंस राज के ऊपर आ सकता है, व्हाट इज़ परमिट लाइसेंस राज, परमिट लाइसेंस राज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है वो परमिट देगी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को, प्राइवेट इंडस्ट्री बिना सरकार की अनुमति लिए, बिना सरकार की परमिशन लिए ना तो कोई इंडस्ट्री खोल सकती है, ना अपने लिए बाहर से कोई इंपोर्ट कर सकती है कैपिटल गुड्स, कोई मशीनरी नहीं मंगा सकती, और ना ही एक लिमिट से ज़्यादा बना सकती है जब तक सरकार उसको अनुमति ना दे, परमिशन ना दे, मतलब रेस्ट्रिक्शन हो गई कि आप एक इंडस्ट्री के अंदर बिना सरकार की परमिशन के इंडस्ट्री खोल नहीं सकते, आप एक्स्ट्रा नहीं बना सकते, आप कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर सकते बिना सरकार की परमिशन लिए, उसको कहा जाता है दोस्तों परमिट लाइसेंस राज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सरकार की स्कीम थी ताकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज सरकार के हाथ में रहे और एक लिमिट से ज़्यादा ग्रो ना कर पाए, सरकार की स्कीम थी जिसको हम परमिट लाइसेंस राज कह के चलते हैं, आप ध्यान रख के चलेंगे। ये है दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसमें मैंने आपको मेन मेन टॉपिक्स बताए सारे के सारे, ये चैप्टर 2 के हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसमें दोस्तों जो बैक क्वेश्चन है उसमें आपके सामने एक मैच द फॉलोइंग दे रखा है, पेज नंबर है मैच द फॉलोइंग वाला, आई थिंक पेज नंबर 34-35 के आसपास है, आप इस मैच द फॉलोइंग को कर लेंगे, ये आने के चांसेस थोड़े से हैं, आ सकते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर आता दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा LPG के ऊपर बेस्ड है, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले बता दूं आपको कि LPG पॉलिसीज आई क्यों थी, तो उसके पीछे रीज़न है दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न था हमारा फिस्कल डेफिसिट, कि इंडिया की जो बोरोइंग्स थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, बोरोइंग्स का बढ़ना जिसको हम फिस्कल डेफिसिट का बढ़ना भी कहते हैं, वो देश का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ा देती है, और जब जब देश का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा तब तब देश की तरक्की होने के चांसेस अपने आप ही कम हो जाएंगे, और देश अगर कम तरक्की करता है तो फिर ऐसा देश चलाने में कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पर तरक्की होने के चांसेस कम हो, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर देता है, इसलिए हमें LPG पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी। इसके अलावा हमारा BOP क्राइसिस चल रहे थे, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत बुरे हाल थे, हमारा BOP डेफिसिट ही था, हमारे एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से हमारा BOP अपने आप ही डेफिसिट हो जाता था, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहे। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज़्यादा श्रिंक हो चुके थे, हमारे जो रिजर्व्स रहते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, फॉरेन करेंसी के, वो रिजर्व बहुत कम हो गए थे, ये भी एक बहुत बड़ा पंगा था या रीज़न था ताकि हमें LPG पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़े। और इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस है PSU थे, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बकवास और थर्ड क्लास हो चुकी थी, इस वजह से भी हमें LPG पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी। ये सब के सब रीज़न रहे हैं दोस्तों हमारे पास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या LPG पॉलिसीज अडॉप्ट करने के रीज़न, ये सब रहे हैं। और ये किसने सजेस्ट करी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। LPG पॉलिसीज दोस्तों सजेस्ट करी गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा और IMF के द्वारा, डेट इज़ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने हमें सजेस्ट करी, तो हमने चुपचाप ले ली थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इंडिया ने कितने बिलियन डॉलर्स का लोन लिया था LPG वाले या LPG पॉलिसी से पहले जो क्राइसिस चले तो उसको सॉल्व करने के लिए, तो दोस्तों आंसर रहेगा $7 बिलियन, ये आप ध्यान रखे चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है क्वेश्चन, $7 बिलियन, ये आप ध्यान रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और दूसरा इन्फ्लेशन वगैरह को भी हमें कंट्रोल करना था, ठीक है। और एक और चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम क्या है, वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, और क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने सजेस्ट करी थी हमें LPG पॉलिसी, तो हाँ आ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, आप ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद LPG का मीनिंग बता देता हूँ, सबसे पहले लिबरलाइजेशन का मीनिंग है, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि वो सारे रेस्ट्रिक्शन जो पहले गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट इंडस्ट्रीज पे लगाई गई थी, जब मैं उसको विड्रॉ कर लेता हूँ उसको लिबरलाइजेशन कहा जाता है। ये हमारा सबसे पहला रिफॉर्म है लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या हुआ था बता देता हूँ आपको, इसमें हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को चेंज करा, टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन करा, फिस्कल पॉलिसी को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, इन सारी चीज़ों को हमने कंट्रोल करने की कोशिश करी और इनको मॉडरेट करा थोड़ा सा। इसके अलावा हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में मॉडरेशन करी, फाइनेंशियल सेक्टर में मॉडरेशन करी, टैक्स में मॉडरेशन करी, फॉरेन चेंज मार्केट के अंदर मॉडरेशन करी, और ये सब हमने करा 1991 की इस पॉलिसी के अंदर, ठीक है, जिसमें हमारे पास मुख्य रूप से क्या क्या करा गया मैं आपको बता देता हूँ।
सबसे पहले हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में डीरेगुलेशन करी। पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर रेगुलेशन थी कि प्राइवेट सेक्टर नहीं खोल सकता था, हमने उन सारी इंडस्ट्री को डीरेगुलेट करा, डीरिजर्व करा, और हमने सारी किसको दी, प्राइवेट सेक्टर की, भाई जो तुझे खोलनी है खोल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज सरकार ने अपने हाथ में रखी है जिनको हम डीरेगुलेट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ही खोलेगी, ठीक है, ये गवर्नमेंट ही उन सेक्टर को चलाएगी जिसमें एटॉमिक एनर्जी और रेलवे का जिक्र ज़्यादा रहता है, उस टाइम पे डिफेंस वाला भी था, ठीक है। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी भी है जिसमें सरकार ने कहा कि आप खोल सकते हो लेकिन बिना लाइसेंस के नहीं खुलेगी, क्योंकि वो लोगों की हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। वो कौन कौन सी, मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ इंडस्ट्रीज थी दोस्तों जो बिना लाइसेंस के नहीं खुल सकती, मैं नाम बताऊंगा इनका, आप ध्यान रखे चलेंगे। इनका नाम है पहला अल्कोहल की इंडस्ट्री, दूसरा सिगरेट की इंडस्ट्री, तीसरा हजार्डियस केमिकल की इंडस्ट्री, फोर्थ है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव की इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री, एरोस्पेस की इंडस्ट्री, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल जिसे हम कहते हैं, आप ये ले सकते हैं। ये इंडस्ट्रीज बिना सरकार से लाइसेंस लिए नहीं खुल सकती, नहीं खुल सकती, नहीं खुल सकती, आप ध्यान रखे चलेंगे। और कुछ सेक्टर मैंने आपको बता दी कि गवर्नमेंट अंडर रखे हैं जिसमें रेलवे है और एटॉमिक एनर्जी मुख्य रूप से शामिल है, जो सरकार प्राइवेट सेक्टर को देने को बिल्कुल तैयार नहीं और अभी भी नहीं दी। बाकी अब हाँ, रेलवे हल्के हल्के प्राइवेटाइज हो रही है, बाकी देखते हैं लेट्स सी क्या क्या होता है। और इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए जो एरिया रेस्ट्रिक्टेड थे वो हटा दिए गए, अब कोई एरिया रेस्ट्रिक्ट नहीं है, जहाँ पे जिसको इंडस्ट्री खोलनी है खोल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइवेट कंपनी अपनी मर्जी से जो मंगाना चाहे बाहर से मंगा सकती है, जितना बनाना चाहे बना सकती है। जो कोटा था, क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन थी प्राइवेट इंडस्ट्री पे कि आप इससे ज़्यादा बना नहीं सकते, मंगा नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं, जितना मंगाना है मंगाओ, सब हट गया था एलपीजी के आने के बाद। और ये लिबरलाइजेशन में सब मेंशन करा गया कि जो रेस्ट्रिक्शन थी उन सबको रिमूव करा गया है, अब ध्यान रखे चलेंगे। इसके अलावा लाइसेंस लेने की नीड नहीं है, सिर्फ कुछ इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस है जिनका नाम मैंने आपको अभी बताया, वो आप ध्यान रख सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म दूसरा है दोस्तों। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में हमारे कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक और स्टॉक एक्सचेंज, ये सब के सब रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। और आरबीआई ने रोल रेगुलेटर से फैसिलिटेटर के रूप में चेंज करा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आरबीआई ने सारे कमर्शियल बैंक्स को परमिशन दी थी कि वो जो अपना इंटरेस्ट रेट है उसको अपनी मर्जी से रखना चाहे तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा आने के चांसेस रह सकते हैं, आप ध्यान रखे चलेंगे। और आरबीआई ने अपना जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी परमिशन दी थी, जिसमें बाहर वाली कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं बिना किसी दिक्कत के। और ये 74% तक हुई थी दोस्तों, 74%, ऐसा लेटेस्ट एनसीईआरटी में मेंशन करा गया, आप ध्यान रखे चलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, मर्चेंट बैंकर्स को, म्यूचुअल फंड्स को, इन सब की परमिशन मिल गई थी 1991 के बाद। एफआई और एफडीआई में दोस्तों हमारे पास छोटा सा फर्क है। FDI का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर वाली कंपनीज हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करती है प्रॉपर्टी में, बिल्डिंग में, कहीं पे, उसको FDI कहेंगे। और जब FII का मतलब है बाहर वाली कंपनीज, जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमारी शेयर मार्केट में, हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसको FII कहते हैं। ये छोटा सा डिफरेंस है, आप ध्यान रखे चलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर हाँ, GST टैक्स रिफॉर्म में GST का जिक्र करा गया। टैक्स रिफॉर्म आपको बता दूं, फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें टैक्सेस एंड सब्सिडीज आती है। टैक्स रेट को हमने मॉडरेट करा था, टैक्स रेट को हमने कम करा ताकि सरकार की कमाई टैक्स से होने वाली बढ़ पाए। इसमें सारे टैक्सेस हमने मॉडरेट करे थे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही करे थे, और कॉरपोरेशन टैक्स भी करा था। कॉरपोरेशन टैक्स वो टैक्स होता है दोस्तों जो कंपनीज के द्वारा पे करा जाता है गवर्नमेंट को, जिसको हम कहते हैं कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन टैक्स, आप ध्यान रखे चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में दोस्तों हमारे पास GST वाला टॉपिक भी है, जी 2016 में पास हुआ और ये टैक्स आया है जुलाई 2017 से, जो लो अप्लाई हुआ है 2017 से हुआ है, जुलाई 2017 GST डेट है, और एक्ट पास हुआ है 2016 में, इंडियन पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वाला भी। फिर इसी में फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स है। इस फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में दोस्तों हमने और कुछ खास करा नहीं करा, हमने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट करी है कि अपने हमने रुपी की वैल्यू को डीवैल्यूएट करा है। आई रिपीट, हमने रुपी की वैल्यू को डीवैल्यूएट करा है। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है हमने रुपी की वैल्यू को गिराया है। रुपी की वैल्यू को गिराने से क्या फ़ायदा हुआ कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ गए, ठीक है, क्योंकि फॉरेन वालों ने इंडिया में डीलिंग करनी ज़्यादा शुरू कर दी, तो रुपी की वैल्यू को गिराने से हमारा फ़ायदा ही हुआ है, हमारी नेशनल इनकम बढ़ी ही है। तो ये हमने करा था 1991 में, आप ध्यान रखे चलेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास और क्या है, इन्होंने बताया है कंपटीशन को बढ़ाने के लिए हमने सारे बैरियर्स रिमूव करे हैं ताकि फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके डील कर पाए। हमने सारी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन हटा दी, कोटा हटा दिया, जितना मंगाना है मंगाओ, निश्चिंत होकर मंगाओ, कोई दिक्कत नहीं। टैरिफ को कम कर दिया है, इंपोर्ट लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया, कोई इंपोर्ट लाइसेंस की नीड नहीं है आपको, जो मंगाना है मंगाओ। सिर्फ हजारडियस चीज़ों के लिए लाइसेंस अभी भी चाहिए, बाकी सब चीज़ों के लिए कोई लाइसेंस की नहीं है, आप जो मंगाना चाहे मंगा सकते हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी हमने कम कर दिया है, लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटी हमारे 2001 के बाद हुई है, ध्यान रखे चलेंगे। तो ये तो बात कहें अगर,
ठीक है, ये सब भी मेंशन करा गया है यहाँ पर। इसके अलावा उसके बाद प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन आप लोग जानते हैं कि जब सरकार अपने कोई भी इंडस्ट्री को, प्राइवेट सेक्टर को सेल आउट कर देती है, उसको हम क्या के चलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन दोस्तों दो तरीके से होता है। पहला, गवर्नमेंट विड्रॉल कर लेती है अपनी ऑनरशिप को पीएसयू से, और दूसरा आउटराइट सेल, पूरा सेक्टर बेच देती है। जब गवर्नमेंट अपना शेयर रिड्यूस करती है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहती है। तो एक है जब गवर्नमेंट अपना शेयर विड्रॉल कर रही है थोड़ा थोड़ा करके, उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। और जब पूरा बेच देगी, पूरा का पूरा, उसको कहा जाता है दोस्तों आउटराइट सेल। तो डिसइन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन आती है, तो डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट अपना सेल ऑफ करेगी पार्ट, एक पार्ट, ठीक है, 20%, 30%, 40%, लेकिन ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन आउटराइट सेल में ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, किसी और के नाम हो जाएगी कंपनी, हमारे नाम नहीं रहेगी, ध्यान रखे चलेंगे। उसके बाद नवरत्ना के ऊपर है दोस्तों टॉपिक आ सकता है, नवरत्ना, महारत्ना, मिनीरत्ना, इन सब के ऊपर टॉपिक आने के चांसेस हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। एनसीईआरटी बता रही है, मैं नाम बता देता हूँ किस किस को कौन कौन से सेक्टर में रखा गया है, जो मेरे सामने यहाँ पर टेबल है लेटेस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसमें पता चला है मुझे कि महारत्ना में दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। नवरत्ना में दोस्तों हमारे पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है, MTNL जिसे हम कहते हैं, और मिनी रत्ना में हमारे पास भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी मेंशन करा गया है, और इसके अलावा इंडियन IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड भी हमारे मिनी रत्ना में मेंशन करा गया है। ये सब के सब आप याद कर सकते हैं, जो जो मैंने नाम बताए हैं, महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्ना की जो भी क्लासिफिकेशन, आप ध्यान रखे चलेंगे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास ग्लोबलाइजेशन आता है। ग्लोबलाइजेशन बहुत ही शानदार टॉपिक है। ग्लोबलाइजेशन का मेन पर्पस होता है कि हमारे यहाँ की इकनॉमी को वर्ल्ड की इकनॉमी के साथ कनेक्ट करना, और वो सारी रेस्ट्रिक्शन हटाना जो पहले रेस्ट्रिक्शन थी, ताकि जो ट्रेड है उसको हम सिंपली और सिस्टमेटिकली फैसिलिटेट कर पाएं अंडर द गाइडेंस ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की छाया में या उनके सानिध्य में। हम चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड रहे और ट्रेड को बहुत आसानी से कर पाएं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। यही हमारा ग्लोबलाइजेशन का मेन एम है। और ग्लोबलाइजेशन के दोस्तों हमारा इंडिया आउटसोर्सिंग करता है, आउटसोर्सिंग हम लोग करते हैं बहुत सारी सर्विसेज की, हमारे यहाँ के BPO ऑल ओवर वर्ल्ड की सर्विसेज प्रोवाइड करने काम करते हैं, कॉलिंग सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब का सब दोस्तों हमारा आउटसोर्सिंग के अंदर है, क्योंकि लोग हमारे यहाँ काफ़ी एजुकेटेड एंड पढ़े लिखे भी हैं। बुक कीपिंग की सर्विस हम देते हैं, और रिकॉर्ड कीपिंग की सर्विस हम लोग देते हैं, फिल्म एडिटिंग की सर्विस देते हैं, बुक ट्रांसक्रिप्शन की देते हैं, क्लिनिकल एडवाइस की देते हैं, टीचिंग देते हैं, ये सब हमारे आउटसोर्सिंग के कंसेप्ट में आता है, ध्यान रखे चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा दोस्तों फिर हमारे WTO के बारे में है। WTO आप लोग जानते हैं, इसमें मल्टीलेटरल और बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बता देता हूँ। WTO दोस्तों हमारा 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था, और WTO जब एस्टेब्लिश हुआ तो उसने रिप्लेस करा था GATT को, ठीक है, डेट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि चल रहा था 1948 से, और 23 कंट्रीज के साथ ये चल रहा था। पहले 23 कंट्रीज के थ्रू ये चला था, और बाद में WTO आया जिसने बहुत सारी कंट्रीज को इन्वॉल्व कर लिया इसके अंदर, और ये मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को प्रमोट करता है। मल्टीलेटरल का मतलब जो बहुत सारी कंट्रीज के बीच में होते हैं, जबकि बायलेटरल दो कंट्री के बीच में होते हैं। और WTO चाहता है कि सारी कंट्रीज आपस में डील करें, एक दूसरे के साथ अच्छे से डील करें और बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के साथ डील करें, ये WTO का मेन ऑब्जेक्टिव है। और WTO का दोस्तों हेडक्वार्टर रहेगा हमारा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रख सकते हैं। WTO का हेडक्वार्टर रहेगा दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ये आपको ध्यान रखे चलना है, ठीक। पूरा रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर में कोई रिफॉर्म का मेंशन नहीं करा गया इस चैप्टर के अंदर, आप ध्यान रखे चलेंगे कि एक बहुत बड़ा LPG का नुकसान कह सकते हैं कि LPG में बड़ी बुरी चीज़ ये थी कि उस पर एग्रीकल्चर पर कंसंट्रेट कुछ नहीं करा, जो कि बहुत बुरी बात है, ठीक है। और हाँ, इसमें क्वेश्चन दोस्तों हमारा सर्कुलर ट्रेजेडी के ऊपर आ सकता है, जो कि हुई थी आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर पावरलूम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के आने के बाद जो हैंडलूम टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उनको अफेक्ट हुआ और उनकी वेजेस वगैरह कम होगी, जिसकी वजह से बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या कर ली थी, ऐसा मेंशन करा गया। तो आप इसके बारे में पढ़ना चाहिए, पढ़ सकते हैं, आंध्र प्रदेश में हुई थी, आप ध्यान रख के चलना बस। दोस्तों करंट चैलेंज की बात करूँ तो हमारा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आप लोग जानते हैं कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू मैं ह्यूमन के अंदर स्किल्स को एम्बेडेड करता हूँ, स्किल्स को डालने की कोशिश करता हूँ, उन्हें स्किल्स सिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो देश के ह्यूमन कैपिटल बन पाए, वो मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए मेरे देश की तरक्की में। वो पढ़े लिखे लोग, वो समझदार लोग जो स्किल्ड हैं, वो सबका सब देश के लिए ह्यूमन कैपिटल बनते हैं। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू इस ह्यूमन कैपिटल को मैं बढ़ा पाऊँ, उसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने के लिए एजुकेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स एजुकेशन है, उसके अलावा हेल्थ, पैसा पैसा खर्च करिए हेल्थ पर, ठीक है, और आप इसके अलावा ट्रेनिंग पर पैसा खर्च कर सकते हैं, ये भी सब का सब ह्यूमन कैपिटल में आएगा। और यहाँ पे दोस्तों कुछ मेडिसिन के टाइप हैं जो कि क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, जो प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है उसको वैक्सीनेशन कहते हैं, जो क्यूरेटिव मेडिसिन है उसको दोस्तों मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस की तरफ यूज़ करा जाता है, और जो सोशल मेडिसिन है वो स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी है। सोशल मेडिसिन का मतलब लोगों को जागरूक करना, ये भी सोशल मेडिसिन की कैटेगरी में आता है। ये टाइप ऑफ मेडिसिन के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसके अलावा ऑन द जॉब ट्रेनिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ऑफ कैंपस हो ऑन कैंपस हो, लेकिन हाँ ऑन द जॉब ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी लोगों को सिखाने के लिए कि ट्रेंड होंगे तो उनको जागरूकता मिलेगी, और जागरूकता के साथ साथ उनको काम मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, उनके नॉलेज मिलेगी, उसको काम को कैसे करना है, काम को कैसे बेहतर तरीके से करना है, तो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा माइग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, जबकि माइग्रेशन नेगेटिव होता है, लेकिन हाँ जितना खर्चा माइग्रेशन पे नहीं होता उससे ज़्यादा आपको माइग्रेशन से बेनिफिट हो सकता है अगर आप सही ट्रैक पर जाते हैं तो, और आप इन्फॉर्मेशन पे खर्च करेंगे तब भी आप ह्यूमन कैपिटल बन सकते हैं, क्योंकि नॉलेज अगर आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है, जिसके पास नॉलेज है उसके पास सब कुछ है, ठीक है। तो ये सब के सब हमारे सोर्सेज हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर दोस्तों डायरेक्ट रिलेशन है, अगर आप ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज़रूर होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता। याद ध्यान रखे चलेंगे ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ का रिलेशन डायरेक्ट है, ये आप नहीं भूल सकते बिल्कुल भी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वाला, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इस चैप्टर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी जिक्र करा गया है, जो कि वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें आप लोग जानते हैं कि लोगों का वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करा जाएगा और वोकेशनल को उसे शामिल करे जाएंगे कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी और सब्जेक्ट पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपका करियर ओरिएंटेड सब्जेक्ट हो सकता है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, ये आप ध्यान रखे चलेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रह सकता है। और ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, ह्यूमन कैपिटल दोस्तों हमारा जो है फॉर्मेशन है या प्रोसेस है, और जो एंड रिजल्ट होगा दोस्तों वो रहेगा हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, ये आप ध्यान रख के चलेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। कुछ फुल फॉर्म आ सकती है इसमें, जो कि मेंशन करी गई है वो है NCERT की, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, UGC की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की फुल फॉर्म है। और मेडिसिन में दोस्तों हमारे सामने जो है ICMR की फुल फॉर्म है, जिसको हम कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये सब के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है फुल फॉर्म के रूप में, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हो सकती है। बाकी आप जो इसमें एजुकेशन सेक्टर वाला टॉपिक है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे आपको बता देता हूँ कि सरकार ने एजुकेशन सेक्टर पर 6% जो GDP का होता है खर्च करने की फरमाइश करी गई थी। अगला चैप्टर दोस्तों हमारे पास आता है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट आप लोग जानते हैं कि वो सारा एक्शन प्लान जो रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट पे फोकस है। क्या क्या चाहिए इस एक्शन प्लान में? सबसे पहले हमें चाहिए ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कराना, लिटरेसी को इम्प्रूव करना, एजुकेशन को इम्प्रूव करना, रोड्स बिल्डअप करना, सैनिटेशन फैसिलिटी इम्प्रूव करना, हेल्थ स्ट्रक्चर को बिल्डअप करना रूरल एरिया के बहुत अच्छे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एजुकेशन फैसिलिटीज़ को भी इम्प्रूव करना है हमें, और रिसर्च एंड एक्सटेंशन पे पैसा खर्च करना है हमें ज़्यादा से ज़्यादा, और इन्फॉर्मेशन पे भी हम लोग एक्सपेंड करेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन गेन कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा, पॉवर्टी को एलिवेट करने की कोशिश करना है। ये सब के सब हमारे एक्शन प्लान रहेंगे रूरल डेवलपमेंट के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यही रूरल डेवलपमेंट हमारा मेन है। इसमें दोस्तों आपको जो मेन मेन टॉपिक करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि रूरल डेवलपमेंट के अंदर दो तरह के चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं, एक को हम कहते हैं लिंगरिंग चैलेंज, एक को कहते हैं इमर्जिंग चैलेंज। लिंगरिंग वो है जो हम फिलहाल फेस करें, इमर्जिंग वो है जो हम भविष्य में फेस करेंगे। तो जो लिंगरिंग चैलेंज है दोस्तों उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्रेडिट का, कि गाँव के लोगों तक या जो रूरल एरियाज हैं वहाँ तक क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रॉपरली पहुँच पाए और सही रेट पर पहुँच पाए और उनका एक्सप्लोटेशन ना हो मनी लेंडर्स के द्वारा। इसके लिए हमने एक सोशल बैंकिंग या सोशल बैंकिंग मल्टी एजेंसी अप्रोच अडॉप्ट करा था 1969 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा है हमारे लिए, ताकि हम लोग गाँव के लोग तक सही पैसा सही टाइम तक पहुंचा पाएं। और पुअर वुमेन बैंक का जिक्र करा गया दोस्तों यहां पर, जिसका नाम है कुदुम्बश्री। कुदुम्बश्री बैंक दोस्तों केरला में है, 1995 में ये स्टार्ट हुआ था और इन्होंने 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कराया अपनी सेविंग से, और ये केरला की वुमेन्स के द्वारा चलाया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा नबार्ड का जिक्र है, नबार्ड एस्टैब्लिश हुआ था 1982 में, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, जो कि एपेक्स बॉडी है, जो कि सारे रूरल फंडिंग एक्टिविटीज़ और रूरल डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ क्रेडिट से रिलेटेड को कंट्रोल करती है। जितना उधार चाहिए सबका सब नबार्ड के थ्रू ही आने वाला है, कहीं और से नहीं मिलेगा आपको, आपको नबार्ड के थ्रू ही मिलने वाला है, ठीक है। और ये इसके अलावा
लोग हैं ना इन्फॉर्मेशन क्रिएट करती है, नॉलेज देती है कि वो मनी लेंडर्स के पास ना लें पैसा मनी लेंडर से, क्योंकि बहुत हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो लोग, तो आपको पता होना चाहिए सब के बारे में। और इसके अलावा दोस्तों माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम क्या होते हैं हमारे, SHG को माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम भी कहते हैं। और इसके अलावा वक्त के साथ साथ हमारे जो रूरल बैंकिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट आया है बहुत ज़्यादा, जहाँ पहले लोग बहुत ज़्यादा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लेते थे, अब काफ़ी कम लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे जाते हैं, बल्कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसमें हमारे बैंक्स आते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आते हैं, और इसके अलावा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है, हमारे जितने बैंक्स हैं कमर्शियल बैंक्स वो आते हैं, ग्रामीण बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ये सब आते हैं, जिनकी डिमांड टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम हमारा बहुत बड़ी प्रोसेस है, जिसके अंदर हम लोग जो सामान जो हमारा गुड्स होते हैं उसको हम असेंबल करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, पैक करते हैं, ग्रेड करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग जगहों पर, ये सब हम काम करते हैं उसके अंदर। ये सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट बहुत अलग अलग जगह पर मार्केट बना रही है, ताकि गरीब किसान अपनी क्रॉप को लेके पहुँच पाए अलग अलग जगह तक और उसको सही रेट मिल पाए उसके पैसे का। और इसी के अंदर सरकार ने क्या क्या करा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। मार्केटिंग सिस्टम इंप्रूव करने के लिए सरकार ने बहुत चीज़ें करी हैं, जिनमें सबसे पहली चीज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। आप लोग जानते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, बफर स्टॉक मेंटेन करा है सरकार ने, और बफर स्टॉक दोस्तों मेंटेन करा जाता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा PDS के थ्रू सामान बंटवाती है सरकार, गरीब लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती है। ये सब दोस्तों मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सरकार के द्वारा करा गया। इसके अलावा हमारे पास इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स हैं, जो कि सरकार को सपोर्ट करें इन सारी एक्टिविटीज़ में, जिनमें अपनी मंडी पंजाब हरियाणा वालों को कहते हैं, जो कि राजस्थान में भी अपनी मंडी पंजाब हरियाणा राजस्थान में, उसके बाद हरदसपुर मंडी पुणे में है, रायटू बाज़ार जिसको वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट कहते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, और उजावा संडीज दोस्तों ये रहेगी हमारी फार्मर्स मार्केट तमिलनाडु की। ये सब के सब सरकार को प्रमोट करने के लिए हैं, सरकार की इन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करती हैं सारी के सारी, ऐसा यहाँ पे मेंशन करा गया है दोस्तों। और इसके अलावा हम लोग डाइवर्सिफिकेशन पे भी काम कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन पे काम करने के अलावा 2020 में इंडियन पार्लियामेंट में बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पास हुआ, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम से रिलेटेड है और जो अपोज हुए हैं, जो कि लेटेस्ट NCERT में मेंशन करा गया। आपने पता ही है जो किसानों वाला अभी मुद्दा चल रहा था उसके ऊपर भी यहाँ पे मेंशन करा गया, लेटेस्ट वाली NCERT में ही मेंशन है, पुरानी NCERT मेंशन नहीं करा गया इस बारे में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, आप थोड़ा सा ध्यान रखे चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वाला, ठीक है। और एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के अंदर दोस्तों मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ पे तनवा का भी जिक्र करा गया, तमिलनाडु वुमेन्स इन एग्रीकल्चर का जिक्र करा गया। तमिलनाडु वुमेन्स इन एग्रीकल्चर में हमने लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्निक सीखी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखा है, और ये वुमेन्स के द्वारा चलाया जाता है, और ये ग्रुप जो है वो है तिरुचुपल्ली में ग्रुप है, और तमिलनाडु की जगह में ये ग्रुप चलता है। और इसके अलावा जो पैसा वो जनरेट होता है उससे वो लोग सोप डॉल भी सारी चीज़ें बनाते हैं और अपनी इनकम को अर्न करते हैं, ऐसा यहाँ मेंशन करा गया है। इसके अलावा हम लोग अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी या नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी डाइवर्सिफाई होना चाहें हो सकते हैं दोस्तों, जिसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, ठीक है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिसमें हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फिशरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम लोग हॉर्टिकल्चर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों हम लोग, और भी बहुत चीज़ें उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे एनिमल हस्बेंड्री, और इसमें दोस्तों आपका वाइट रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। वाइट रेवोल्यूशन दोस्तों हमारा मिल्क से रिलेटेड है, और ये गुजरात से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये आप ध्यान रखे चलेंगे। और गोल्डन रेवोल्यूशन हमारा हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इन टाइप से क्वेश्चन आने के चांसेस। ब्लू रेवोल्यूशन हमारा फिशरी से रिलेटेड है, तो आप ध्यान रखे चलेंगे, सारे रेवोल्यूशन के ऊपर जिक्र करा गया, इनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और ये जो दोस्तों हमने इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट को शॉर्ट में रिवाइज करा है, या जो मेन टॉपिक्स पे कंसंट्रेट करते हुए रिवाइज करा, उम्मीद करता हूँ ये आपको डेफिनेटली बेनिफिट देंगे, और ये वीडियो को इतना वेस्टेज नहीं खिलाएगा, मुझे पूरा विश्वास है कल आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और आप थैंकफुल रहेंगे हमारी इस वीडियो के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।